हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। और जैसा आपको पता है कि आपके स्कूल्स भी अभी लेट ओपन हो रहे हैं, आप कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से आप क्योंकि घर पे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मेरे साथ सॉल्व करें अपने बुक के सारे क्वेश्चंस, और यहां पर हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है उस पर हम ध्यान देते हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ा होगा, और अगर आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस चैप्टर में आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। उसके अलावा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। देखिए, अगर कोई ऐसा फंक्शन है एफ सच दैट उसमें सेट ए मूव्स टू सेट बी such that f of x is equal to y, and there is another function or uske correspondence mein ek aur function hai g where the set b moves to set a such that g of y is equal to x. To is case mein hum bolenge that g of y is f inverse, that is inverse of this function. होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन है विच सेज एफ, लेट्स से एफ 5 इज इक्वल टू 4, देन द इनवर्स ऑफ द फंक्शन लाइक एफ 4 विल बी इक्वल टू 5। और इसमें एक सबसे अच्छी बात जो आपको याद रखने वाली है कि जब कोई फंक्शन होता है और उसका जो इनवर्स होता है तो उसमें होता क्या, चेंज क्या होता है, जो डोमेन और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर जैसे कोई फंक्शन है उसका सर्टेन डोमेन और रेंज है, तो इनवर्स में क्या होगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। इसको फर्दर समझते हैं कि क्या सारे फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है। पहले तो ये बात करते हैं कि क्या सारे फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है। देखिए, फंक्शन के इनवर्स होने के लिए, इफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि एक तो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2, या इसको एक वर्ड में बोले तो फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव। अब ये क्या है, 1 1 फंक्शन क्या है, ऑन 2 क्या फंक्शन क्या है, उसका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यहां पे दे देता हूं। अगर आपको डिटेल में समझना है टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, तो उसका जो वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसको देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर सेट ए है और यहां पर सेट बी है। यहां पर हमने लेट से नंबर ले लिया है, ओके 1 2 3 4 5, और यहां पे हमने कुछ अल्फाबेट्स ले लिए हैं, लेट से ए बी सी डी ई। अब 1 1 का मतलब है द वन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड विथ द अदर द एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे ए का कनेक्शन अगर 1 का कनेक्शन डी से है तो 2 का कनेक्शन डी से नहीं हो सकता, तो 2 का कनेक्शन मे बी बी से होगा, मे बी अब 3 का कनेक्शन बी और डी से नहीं हो सकता, किसी और यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। तो ये 1 1 फंक्शन है, 1 2 1 फंक्शन, 1 2 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, 1 एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली 1 फंक्शन, 1 एलिमेंट ऑफ द सेट बी। अब यहां पे ऑन 2 का मतलब क्या होता है, देखिए हमको पता है कि रेंज जो होता है इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब रेंज और कोडोमेन क्या है, तो ये जो पूरा जो सेट बी है यहां पे वो कोडोमेन है, और इसमें जितने एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड है वो है रेंज। अंडरस्टूड, ये पूरा सेट के जो एलिमेंट है वो हो गया कोडोमेन, और रेंज क्या है कि जो एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड है
वो रेंज हो गया। अब लेट से कि यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो सेट ए से कनेक्टेड ना हो, देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट इन द सेट बी व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू सेट ए, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ऐसा हो गया कि रेंज इज इक्वल टू हो गया कोडोमेन, रेंज बिकेम इक्वल टू कोडोमेन। इस कंडीशन में जब फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू भी है, तो हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको कैसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए बाइजेक्टिव। अब देखते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम देखते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम करता है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम साइन एक्स का एक बार क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, राइट। Likewise. Now, अब आप साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो आप साइन एक्स का देखो या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ग्राफ देखो आप, स्पेशली साइन और कॉस तो आपको पता है कि पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं इसका मतलब उसकी कुछ सर्टेन वैल्यू बार बार रिपीट होती है, उसकी कुछ सर्टेन वैल्यू। जैसे मैं बताऊं तो अगर साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है यहां पर, मतलब कि फॉर सो मेनी वैल्यूज यू गेट द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ साइन यू गेट द सेम वैल्यू, मतलब साइन जीरो भी जीरो है, साइन पाई भी जीरो है और साइन टू पाई भी जीरो है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया वन टू मेनी फंक्शन बन गया, राइट। अब ये तो वन वन नहीं है, अदरवाइज ये सारे, अगर हम वन वन बोलते तो ये सारे आंसर्स अलग अलग होने चाहिए थे, पर ये वन वन नहीं है। तो इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उसके एक्चुअल में जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये बाइजेक्टिव नहीं हो पा रहे, राइट। अब बात करते हैं फिर, हमारा तो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हमको इनवर्स इसका पढ़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पार्ट को जहां पर उस हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू यूनिक है उसको हम वहां तक उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब यहां पर जो स्लोप है ना इस ग्राफ का वो यूनिक है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां से भी ले सकते थे ना, अगर यहां से तो यहां से भी हम ले सकते थे, यहां से यहां भी ले सकते थे, पर एक्चुअली ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, सो दिस इज स्टैंडर्ड। तो हम इस ग्राफ में सिर्फ इसको लेंगे, राइट, और उसी को जब हम इसका डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तभी हमको इसका इनवर्स फाइंड होगा और तभी ये वन वन और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन बन पाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो हम यहां पर एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं पाई, जैसे हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो यहां से हम वन से दिस इज -1 एंड फ्रॉम हियर दिस इज पाई बाई टू एंड हियर इट इज -π/2। तो यहां पर हम इसके ग्राफ को से बनाते हैं कि पाई बाई टू और वन यहां पर आएगा और ये कुछ ऐसा होगा और अपने आप बुक में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ रफ ग्राफ दैट इज पाई बाई टू एंड वन एंड दिस इज -π/2 एंड -1। सो अब हमने क्या किया, इसके डोमेन और रेंज को हमने क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन बन गया हमारे पास
पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू और इसका रेंज हमारे पास आ गया 1 टू 1 एंड माइनस 1, राइट। तो ये हमारे पास इस वक्त सामने, हमारे पास सामने साइन एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, कैसे उसका डोमेन और रेंज स्ट्रिक्ट करके। नाउ अब हम इसके इनवर्स का ग्राफ देखते हैं कि इसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। फॉर साइन इनवर्स एक्स, सो फॉर साइन इनवर्स एक्स अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था रेंज और डोमेन जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं इनवर्स में। तो हियर एट एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस में वैल्यू थी वो वाई एक्सिस में आ जाएगी और जो वाई एक्सिस में वैल्यू थी वो एक्स एक्सिस में। तो आपको याद है कि अभी हमने जस्ट ग्राफ में पाई बाई टू लिया था, तो अब यहां पर हम वन लेंगे, राइट, विच वॉज अर्लियर टेकन ऑन द वाई एक्सिस, और यहां पर हम इसको पाई बाई टू और यहां पर हम लेते हैं इसको माइनस पाई बाई टू, राइट। सो नाउ द ग्राफ इज लाइक दिस समवेयर हियर। सो दिस इज व्हाट 1 पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस 1 माइनस पाई बाई टू। सो नाउ यू कैन सी दैट डोमेन हैव बिकम माइनस 1 टू 1 एंड द रेंज, और जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, राइट। तो यहां पर आपको क्लियर है, और ऐसे ही कॉस का ग्राफ, ऐसे ही कॉसेक का ग्राफ और टेन का ग्राफ आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू मेक दी सेपरेट वीडियो फॉर द ग्राफ्स। बट हियर यू कैन सी के ऐसे ही कुछ हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ करते हैं, राइट। और अब हम देख लेते हैं इनकी एक वैल्यू जो डोमेन और रेंज की इनवर्स की कैसी वैल्यू होगी, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे, साइन इनवर्स एंड देन कॉस इनवर्स देन टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स sec inverse tan inverse, right? And now we will write the domain. ये आप बिल्कुल note down कर लीजिएगा अपनी copy में, और यहां से हम जो है ये हमारा base है इस पूरे chapter को solve करने का. So you should remember the domain and range. So domain अभी हमने देखा minus 1 and 1 and the range is minus pi by 2 to pi by 2. This is also called principal value branch. तो अगर आपको principal value find करने बोला जाए तो it will lie between minus pi by 2 to pi by 2. So this is what 0 to pi. Here r from minus pi by 2 to pi by 2. Here it is minus infinity to 1 and union 1 union infinity and the graph will change here. Sorry, bracket will change here. And for sec inverse, this is minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Right? And for cot inverse, this is R2 minus, this is minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. And the range for the sec inverse is 0 to pi minus pi by 2. So, okay. And for this is R2 0 to pi, right? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारे जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके डोमेन और रेंज यहां पर मैंने आपको दे दिए। तो
तो आपको यू शुड डू रिमेम्बर एंड आपको ये नोट डाउन करना है, क्योंकि अभी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ये बहुत ही यूजफुल है, राइट। सो आई थिंक अब हमको मूव करना चाहिए हमारे एक्सरसाइज की तरफ। हमारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उस पर हम मूव करते हैं, राइट। और हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हमको सॉल्व कैसे करना है। अब इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, आपको अगर याद ना हो तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि हम इसका रेंज यहां पर लिख लेते हैं। तो आपको पता है साइन का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इट मीन द वैल्यू शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो नाउ यहां पर हम लिखते हैं लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब इस केस में क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। अब 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है, 1/2 इज साइन 30, इट मीन साइन पाई बाई 6। सो साइन थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। नाउ आप रेंज देख रहे हैं उसका कि पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, तो वी कैन इजली राइट इट साइन थीटा साइन माइनस पाई बाई 6। सो थीटा इज व्हाट, माइनस पाई बाई 6, और थीटा हमने क्या अज्यूम किया था, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। सो दिस इज द वैल्यू एंड विच इज एलिमेंट ऑफ विच लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सो हियर इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, सो यू मस्ट बी फाइंडिंग इट इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में, आप बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक फॉलो कीजिए, दैट इज कॉस इनवर्स रूट 3/2। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो नाउ लेट कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रूट 3/2। अब रूट 3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू है, ऑब्वियसली कॉस 30, कॉस 30 इट मीन्स पाई बाय 6, सो वी कैन राइट इट एज कॉस पाई बाय 6। देयरफोर नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 विच इज नाउ लाइज बिटवीन द 0 टू पाई। सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक इनवर्स 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक इनवर्स 2। अब देखिए फिर से हम वही करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। सो कॉसेक थीटा, सो दिस इज, दिस मस्ट बी माइनस 2, नो दिस इज 2, ओके। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब 2 कॉसेक थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, सो दिस इज व्हाट, अगेन कॉसेक 30, सो कॉसेक 30 इट मींस कॉसेक पाई बाय 6, कॉसेक पाई बाय 6, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। और आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स का रेंज जो होता है दैट इज पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0। सो ऑब्वियसली दिस लाइज बिटवीन, दिस इज एलिमेंट ऑफ पाई बाय 2 टू माइनस
pi by 2 0. So here the solution was so easy. Now let's solve the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज tan इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 3. दिस इज माइनस रूट 3. सो नाउ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू थीटा. सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3. अब यहां पे वी कैन राइट इट रूट 3. आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 इट मींस पाई बाई 3. सो वी कैन राइट माइनस tan पाई बाई 3. बट क्या हम इसको माइनस पाई बाई 3 रख सकते हैं, क्योंकि जो tan लाए करता है, tan का जो रेंज होता है प्रिंसिपल होती है, होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि माइनस पाई बाई 3 पे लाए ये नहीं करता है, राइट सॉरी करता है ये लाइक. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3. तो यहां पर हो सकता है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, विच इज अगेन एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, राइट. आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. That is cos inverse minus 1 by 2. Cos inverse minus 1 by 2. So again, cos inverse minus 1 by 2 is equal to theta. So cos theta is equal to minus 1 by 2. Up, we can write minus cos 1 by 2. The cos 60 ki value, which is pi by 6, pi by 3. So minus cos pi by 3. Now, up, kyunki cos ka up. रेंज देखोगे प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है दैट लाइज बिटवीन 0 टू पाई. सो हम इसको माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकते. सो वी हैव टू मेक द आंसर बिटवीन 0 टू पाई. सो हम इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज यू नो दैट कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3. तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई. सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. और जो है tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1. सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 10. 1 की वैल्यू आपको पता है दैट इज पाई बाई 4, माइनस 10 पाई बाई 4. 10 लाई करता है पाई बाई 2 टू पाई बाई 4 के बीच. सो वी कैन इजली राइट tan थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 4. सो हियर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.